नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर आज हम आपके लिए लेकर आया हरियाणा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रियो ओलंपिक दो में कुश्ती में किस महिला खिलाड़ी ने काश्य पदक जीता था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विनेश फोगाट के द्वारा रियो ओलंपिक 2016 में कुश्ती में विनेश के द्वारा काश्य पदक को जीता गया था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में विश्व हर्बल फॉरेस्ट बनाया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अम्बाला जिले में हरियाणा के अम्बाला जिले में विश हर्बल फॉरेस्ट को बनाया गया था और अम्बाला जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और अम्बाला जिले को विज्ञानिक नगरी उपकरणों का शहर अप्रेंटिस सिटी आमों का शहर और मिक्स सिटी के नाम से जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सी जगह पर गोर अभ्यारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर से यानी पानीपत जिले में हरियाणा के पानीपत जिले में गौर अभ्यारण स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और पानीपत जिले की स्थापना 1 नवंबर उन्नीस को की गई थी और पानीपत जिले को पेट्रोकेमिकल हब बुनकर नगरी सिटी ऑफ व्यूवर्स और हैडलोमो के शहर के नाम से जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन टीवी फ्री में हरियाणा का ब्रांड अम्बेसडर कौन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अमिताभ बच्चन मिशन टीवी फ्री में हरियाणा का ब्रांड अम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है और हरियाणा जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी जो कि आपका सत्रवा राज्य बना था और हरियाणा में गठन के समय कुल सात जिले थे और ये सात जिले आपके अम्बाला करनाल रोहतक महेंद्रगढ़ जींद गुरुग्राम और हिसार थे और हरियाणा का प्रथम गठित जिला आपका जींद था और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला आपका जींद था और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका हिसार था और हरियाणा का अक्षेत्रफल चवालीस हज़ार दो सौ बारह किलोमीटर स्क्वायर है जो कि भारत के कुल अक्षेत्रफल का वन पॉइंट थ्री फोर परसेंट है और हरियाणा का प्रवेश द्वार आपका बहादुरगढ़ कहलाता कहला है और हरियाणा का हृदय आपका जींद कहलाता है और हरियाणा का प्राचीन नाम आप था हरियाणा का गठन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया था और हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन तेईस अप्रैल 1966 को जे सी शाह की अध्यक्षता में किए गए थे और इस अध्यक्षता में कुल तीन सदस्य थे और सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग 1907 में पीर जादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा उठाई गई थी और आजादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग 1948 में पंजाबी नेता तारा सिंह ने की थी जो कि अजीत समाचार पत्र के संस्थापक भी है और अठारह की क्रांति से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था परंतु अठारह की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब राज्य में मिला दिया था दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी दोस्तों इस ऑप्शन नंबर ए यानी फरीदाबाद में हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी और फरीदाबाद ज़िले की स्थापना आपकी पंद्रह अगस्त उन्नीस को की गई थी और फरीदाबाद ज़िले को औद्योगिक नगरी उन्मलिन बस्तियों के शहर के नाम से जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने। है हरियाणा के किस जिले में फूलों की मंडी स्थापित की गई है दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए यानी फरीदाबाद में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में फूलों की मंडी स्थापित की गई थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी गुड़गांव जिले में हरियाणा के गुड़गांव जिले में सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है और गुड़गांव जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और गुड़गांव जिले को साइबर सिटी मेड सिटी मनोरंजन सिटी कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा मिलेनियम सिटी और इसके अलावा अरावली पर्वत माला के प्रवेश के द्वार के नाम से गुड़गांव या फिर गुरुग्राम जिले को जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के उत्पादन पर कब बैन लगा था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी तीन सितंबर दो हजार पंद्रह को हरियाणा में गुटखा और पान मसाले के उत्पादन पर बैन लग गया था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना की घोषणा कब की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पंद्रह अगस्त दो हजार पंद्रह को हरियाणा सरकार के द्वारा बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना की घोषणा की गई थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव में सरस्वती नदी की पहचान होने का दावा किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मुगलावली हरियाणा के मुगलावली गांव में सरस्वती नदी की पहचान होने का दावा किया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फरीदाबाद में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की दिव्यांग महिला खिलाड़ी दीपा मलिक ने किस खेल में काश्य पदक हासिल किया था दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी दौड़ में हरियाणा की दिव्यांग महिला खिलाड़ी दीपा मलिक ने दौड़ में काश्य पदक को हासिल किया था हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ने है हरियाणा का पहला अनाज बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भिवानी जिले में हरियाणा के भिवानी जिले में पहला अनाज बैंक स्थापित किया गया है और भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर उन्नीस को की गई थी और भिवानी जिले को छोटी काशी मंदिरों का शहर भारत का क्यूबा लिटिल क्यूबा सिटी ऑफ वार हीरो और राजपुतानों के सिंह द्वार के नाम से भिवानी जिले को जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नियुक्त किए गए हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नवल किशोर अग्रवाल जो कि आपके हाल ही में नियुक्त किए गए हरियाणा के नए लोकायुक्त है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ने। है मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इक्यावन हजार रुपए मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत इक्यावन हजार की धनराशि प्रदान की जाती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने। है हरियाणा में सौधार ग्रह योजना को कम मंजूरी प्रदान की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 18 अक्टूबर दो हजार को हरियाणा में सौधार ग्रह योजना की मंजूरी प्रदान की गई थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिसार के किस स्थान पर डेयरी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई थी दोस्तों को ऑप्शन नंबर सी यानी बरवाला में हरि हिसार के बरवाला नामक स्थान पर डेयरी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई थी और हिसार जिले की स्थापना एक नवंबर उन्नीस को हुई थी और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 21 में हरियाणा की जीडीपी कितने रहने का अनुमान है दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी यानी सेवन पॉइंट सेवन प्रतिशत जो कि आपकी दो हज़ार बीस इक्कीस में हरियाणा की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी है और हरियाणा की स्थापना एक नवंबर उन्नीस को की गई थी और हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तित्तर या फिर ब्लैक है और हरियाणा का के पशु काला हिरण जिसको ब्लैक बक भी कहा जाता है और हरियाणा का राज्य खेल कुश्ती वृक्ष की बात करें तो पीपल फूल आपका कमल और की भाषा हिंदी है और हरियाणा के गठन के समय कुल सात जिले थे तो और ये सात जिले आपके अंबाला करनाल रोहतक महेंद्रगढ़ जींद गुरुग्राम और हिसार थे और हरियाणा राज्य के गठन को सच्चर फार्मूले के आधार पर हरियाणा का गठन किया गया था और सच्चर फार्मूले का गठन 1 अक्टूबर उन्नीस को हुआ था और हरियाणा राज्य का गठन फजल आयोग की सिफारिश पर किया गया था जो कि आपका हरियाणा सतरवां राज्य बना था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 15 में हरियाणा की जीडीपी कितनी रही थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एट पॉइंट थ्री प्रतिशत जो कि आपकी दो हजार चौदह पंद्रह में हरियाणा की जीडीपी रही थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है के निकट महाभारत स्थान के विकास के लिए विस्तृत परियोजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी छियानवे करोड़ कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थान के विकास के लिए छियानवे करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जून उन्नीस को हुई थी और कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी सिटी ऑफ पार्क तीर्थराज और श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवात एवं शिवालिक क्षेत्रों के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया था दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी इक्यावन पॉइंट वन जीरो करोड़ जो कि मेवात एम शिवालिक के क्षेत्रों के विकास के लिए धन को आवंटित किया गया था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 16 में स्फेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान या फिर आवंटित की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 960 करोड़ रुपए की राशि जो कि आपकी 2015 16 में सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए 960 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने। है 30 करोड़ रुपए की लागत से नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य पूरा होने वाला है इससे किन जिलों में पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी भिवानी और हिसार में तीस करोड़ रुपए की लागत से नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य पूरा हो गया है इससे भिवानी और हिसार जिलों में पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा में कितनी धनराशि यानी कितनी राशि प्रदान की जाती है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 6 करोड़ रुपए एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा में 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने पर हरियाणा में खिलाड़ियों को कितनी धनराशि दी जाती है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 75 लाख रुपए कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने पर हरियाणा के खिलाड़ियों को पचहत्तर लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने। है ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने पर हरियाणा में खिलाड़ियों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी छः करोड़ रुपए ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा में छः करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस जिले से की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पानीपत जिले से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हरियाणा के पानीपत जिले से की गई थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में पहला मॉडल काउंसिंग लेटर स्थापित किया गया था दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी करनाल जिले में हरियाणा के करनाल जिले में पहला मॉडल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया गया था तो और करनाल जिले की स्थापना आपकी एक नवंबर उन्नीस को की गई थी और करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस दान का कटोरकरण नगरी के नाम से जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो गुड़गांव में कब चली थी दोस्तों नंबर ए यानी चौदह नवंबर दो हजार तेरा को भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो गुड़गांव में चली थी और गुड़गांव जिले की स्थापना एक नवंबर उन्नीस सौ को की गई थी जो कि हरियाणा के गठन के समय गुड़गांव भी एक ऐसा जिला था जिसमें आपके हरियाणा के गठन के समय सात जिलों की स्थापना हुई थी जिसमें गुड़गांव भी आपका एक ज़िला था और गुड़गांव को साइबर सिटी मेड सिटी मनोरंजन सिटी कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के प्रवेश के द्वार के नाम से गुड़गांव जिला या फिर गुरुग्राम जिले को जाना जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने। है भारत की पहली सी ट्रेन कब चली थी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सत्रह जनवरी दो हजार बारह को भारत की पहली सी एन जी ट्रेन चली थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है कृपया कमेंट करके जरूर बताया कि सत्रहवें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था हमारे पास फोर ऑप्शन है योगेश्वर दास सुनील कुमार अनिल फोगाट या नितिन गुलिया दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सत्रहवें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी के द्वारा कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता गया था फ़िलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को